Experience the care of Narayana Health. हेलो दोस्तों, वेल्कम टू नारायणा हेल्थ इनिशिएटिव लेट्स टॉक हेल्थ एपिसोड नंबर 14। जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ कॉमन हेल्थ केयर रिलेटेड क्वेरीज और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, उनसे बातें करते हैं। और आज उसी सीरीज़ में आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर सुपर्णो चक्रवर्ती, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ब्लड एंड मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड हीमेटोलॉजी एट धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं। सो डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो लेट्स टॉक हेल्थ। नमस्ते। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरे बारे में आप पूछेंगे तो मैं यही बताऊंगा कि मैं एक बहुत आर्डेंट स्टूडेंट हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी हु इज स्टिल यू नो स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द ह्यूमन बॉडी लाइक मेनी एंड मोस्ट अदर्स। एक चीज़ जो मेडिकल एजुकेशन में कभी पढ़ाया नहीं जाता है, कभी बोला नहीं जाता है कि हम जब डॉक्टर बनने के लिए स्टडी शुरू करते हैं और अंत करते हैं, इस दौरान हमको कभी नहीं बताया जाता है कि ये जो द होल प्रोसेस, द होल एफर्ट इज़ लाइक स्क्रैचिंग द टॉप। हम अभी 0.0001% ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी डू वी अंडरस्टैंड, तो वी हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। And every day, for every sincere doctor in the world, the effort is to कि हम कैसे इस नॉलेज को consolidate करके we can make the best out of it, give the best benefit to the patient. Now ये understanding ना doctors जो बन रहे हैं उसका होता है, doctor बनने का बाद भी नहीं होता है, शायद 50 साल के बाद लोगों को ये एहसास होता है कि yes, I mean maybe you know what we know is not enough. And I had this realization when I got into the field of bone marrow transplantation, because there is so much of unknown and unpredictability about it. And yes, that's what I do, bone marrow transplantation with particular emphasis on hematology and blood disorders, both benign and malignant. With a my core area being transplant immunology and its research, means हमारे immune system कैसे ये पूरे transplantation चीज़ को accommodate करते हैं, इसी पे मेरा total interest and how it can be translated into clinic, means कैसे patient care में इसको translate किया जा सकता है। दोस्तों, आई थिंक डॉक्टर सुपर्णो इज़ बीइंग वेरी मॉडेस्ट। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड टुडे हु डज़ अ पर्टिकुलर मोडालिटी। उसके बारे में और थोड़ी हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में शायद बोन मैरो क्या चीज़ होती है यही पता नहीं है। सो इफ़ यू कुड प्लीज़ टेल अस व्हाट इज़ बोन मैरो एंड हाउ इज़ इट रिलेटेड टू ब्लड एंड द वर्क दैट यू डू, हाउ आर टू रिलेटेड टू ईच अदर। ये बहुत अहम सवाल है। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे डॉक्टर्स के बीच भी कमी होते हैं। देखिए, जब एक ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न, जैसे एक स्पर्म मिलके एक एम्ब्रायो बनते हैं, इन द फर्स्ट ईयर और द फर्स्ट 9 to 10 months आई वुड से, जब माँ के पेट में होते हैं, then amazing things happen. How these two cells are meeting and forming 4 cells, 4 to 8, 8 to 16, and from that ek ek human tissue ban raha hai, ek ek organ ban raha hai. But all these things come to a stop once the child is born, largely.
all these, this humongous effort that goes on inside the womb. It's unthinkable. It's simply unthinkable, mind-blowing. There are some animations people have tried to do, in some nice videos to show that how all these things are happening. But they're happening. Liver is formed, heart is formed, kidney is formed, all these things are formed. But once they're formed, that's it. Oh, yeah, because they cannot regenerate themselves to a large extent. Yes, skin can regenerate. वो हो सकता है वो हफ्ता लगता है थोड़ा थोड़ा करके करते हैं बट इट्स पॉसिबल लिवर सालों साल लगेगा रीजनरेट करने में पॉसिबल बट एक ही ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं वो जन्म से अंत तक इट कॉन्स्टेंटली फंक्शंस इन अ मिनट अ बिलियन सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी फ्रॉम बर्थ फ्रॉम बिफोर बर्थ टू डेथ एंड इट्स एन अमेजिंग ऑर्गन एंड इफ यू आस्क समवन a doctor, a patient, where is that organ? Yeah, exactly. Can we touch it? I mean, draw, what is that organ? No. No one can do that because what bone marrow is, bone marrow kya hai? Bone marrow kuch cell hai, jisko hum mother cell bolte hai. Liver ka bhi mother cell hai, kidney ka bhi hai, jo kidney bana ke wo chale gaye. Brain ka mother cell to bana ke bahut pehle chale gaye. So after birth, we only brain cells only die. Nothing is born again. But bone marrow aise ek organ hai, matlab bones ke andar rassi jaise fine structures hai, usme ye mother cells baithe hue hai. In a nutshell, that's bone marrow. And what are they doing? In a minute, each of these mother cells are producing a billion cells. Red cells, platelets, white cells, continuously and because हम देखते हैं कि blood transfusion हम 3 महीने में एक बार कर सकते because it takes 3 months to build up but in effect आपके शरीर में जो 5 million cell per cubic millimeter report पे दिखाते हैं that's going off in a day and they're being replaced and for neutrophils for example ये हो रहा है मिनटों में ये हो रहा है platelets में भी ये in the same pace it's going on So the amount of work that's going on in producing and reproducing these cells is phenomenal. See, I think it's so engrossing what Dr. Suparno is talking about. So, dosto, bone marrow, aapki bones ke andar ek aisi phenomenal ek organ hai, जो कॉन्स्टेंटली काम करते हुए आपका जो खून या ब्लड देखते हैं उसको बना रही है ये आज जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि बोन मैरो होती क्या है एंड थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस एंड टेलिंग अस एंड टू टेलिंग द ऑडियंस कि व्हाट एक्चुअली इज बोन मैरो वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर सुपर्नो आई हैव मेट यू मेनी टाइम्स यू नो ओवर लास्ट 5 years एंड वन थिंग दैट यू हैव सेड अगेन एंड अगेन एंड यू नो इज दैट नाउ वी आर कमिंग टू बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन BMT पे थोड़ा आते हैं आपने ये कहा है कि BMT इज़ ए क्यूरेटिव प्रोसेस और प्रोसीजर और वट एवर वी डू यू नो सो कैन यू प्लीज टेल अस हाउ डू यू से दैट इट्स ए क्यूरेटिव एंड व्हाई फॉर अदर लेट अस से ऑन्कोलॉजी इश्यूज एंड दे आर मे बी ओनली लाइफ एनहैंसिंग और समथिंग लाइक दैट व्हाई इज इट अ क्यूरेटिव प्रोसेस बिकॉज अगर ये हमारे भाई बहन जो देख रहे हैं उनको पता होगा कि अगर जिसके बारे में और बात करेंगे आगे उनको पता है कि ये पूरी तरह से क्योर हो सकता है पेशेंट इसके बारे में ज़रूर बताइए देखिए ब्लड का कोई भी डिजीज इज अराइजिंग क्यों हो रहा है ये हो रहा है क्योंकि वही फैक्ट्री में कोई गड़बड़ हुआ है बोन मैरो में कुछ गड़बड़ हुआ है तो गड़बड़ कैन बी इन द मदर सेल्स इट कैन बी इन सम सेल्स डाउन द लाइन बट वही शुरू के 3-4 सेल माँ मौसी बुआ उसी में प्रॉब्लम है सो उसके बहुत मैच्योर स्टेज में नहीं होता है होता है पर ज़्यादातर उधर ही प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं एंड वो सेल्स जब अपने मन से काम करने लगता है द बोन मैरो कैन बी कम्प्लीटली ड्राई वी कॉल इट ए प्लास्टिक एनीमिया द बोन मैरो कैन मैल फंक्शन एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ सेल्स वी कॉल इट ल्यूकीमिया लिम्फोमा और मायलोमा यही 3 डिजीज है हमारे जो खून लेके डील करते हैं कैंसर्स ये 3 डिजीज का स्पेशलिस्ट है हम ल्यूकीमिया लिम्फोमा मायलोमा एंड दैट्स इट दे मैनिफेस्ट इन डिफरेंट वेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बट ये है और ब्लड के डिजीज इज ऑलवेज टू बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ अ फ्लोइंग रिवर जिसमें आप कुछ भी गड़बड़ करो इधर या उधर लेस और मोर देयर विल बी प्रॉब्लम
एंड यू सेड इट्स क्यूरेटिव इट्स क्यों यह क्यूरेबल है क्योंकि इसको हम एक ब्लड सैंपल लेके इसके ऊपर हम हजारों सैकड़ों रिसर्च करके निकाल सकते हैं क्या गलती है और वो गलती को हम टारगेट कर सकते हैं जो धीरे धीरे सॉलिड ट्यूमर में जा रहा है बट इट्स अ लॉन्ग वे ऑफ सो फर्स्ट थिंग इज एक्सेसिबिलिटी एंड द सेकेंड थिंग इज द अप्रोच की द बेसिक अप्रोच दैट इट इज़ क्यूरेबल वॉज एस्टैब्लिश बाई द पायोनियर्स आज से 50-60 साल पहले एंड ऑल ऑफ द यू नो ऑल ऑफ द जो हम उसके उत्तर सूरी है जिसको हम बोलते हैं जो बड़े बड़े हस्तियों थे उनका उत्तर सूरी है वी आर फॉलोइंग ऑन द सेम प्रिंसिपल की क्यूरेबल है सो वी आर वर्किंग ऑन द क्यूरेबल एस्पेक्ट ऑफ इट जिसलिए जैसे मैं समझता हूँ मैं पैलिएटिव केयर में बहुत अच्छा नहीं हूँ क्योंकि हमारा अप्रोच वो है ही नहीं सो हम क्रॉनिक मैनेजमेंट की तरफ नहीं जा सकते वी गो फॉर ऑल आउट क्योर एंड किल द डिजीज What should I say, Dr. Suparno? I mean, you have actually put the thing in correct perspective. I want to talk a little bit more about bone marrow transplantation. See, जब वो transplantation आ जाता है तो लगता है कि हम एक चीज़ को निकाल के जो classical है liver transplant, kidney transplant ये सोचते हैं So can you please tell me how is it different from the normal transplantation that me and you know we all know? And second thing is exactly BMT में होता क्या है? What does a patient go through? I mean, बहुत अगेन इट्स अ वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन क्या है कि लोग पूछते हैं हमको कि ये सर्जरी कैसे होगा ये सर्जरी कब होगा तो फर्स्ट थिंग जो पेशेंट्स को समझना है कि ये सर्जरी नहीं है सो बोन मैरो जो है वी ट्रांसप्लांट सेल्स ओवर हियर इन लिवर किडनी ऑल्सो वी ट्रांसप्लांट सेल्स बट दोज आर फॉर्म्ड चंक ऑफ सेल्स which have got very, very defined and specific function, वो जाके वही काम करेगा जब हम बोन मैरो के बात करते हैं तब पहले चीज़ होता है जो देखिए किडनी में क्या होता है जो किडनी खराब हो गया वो रहते हैं वी जस्ट टेक द नॉर्मल किडनी फ्रॉम अ डोनर एंड प्लेस इट एंड जस्ट पुट टुगेदर द यूरेटर द ब्लड वेसल्स एंड वो फंक्शन करना स्टार्ट करता है सेम फॉर लिवर दोज आर सर्जिकल स्किल्स आई मीन मेस्मराइजिंग सर्जिकल स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज बट बोन मैरो आई कॉल इट अ कंसेप्चुअल सर्जरी जिसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट का बीमारी क्या है अगर ये बोन मैरो सूख जाने का बीमारी है तो इसका अप्रोच अलग है अगर ये कैंसर के लिए है ल्यूकीमिया के लिए है तो इसका अप्रोच अलग है पेशेंट का उम्र 10 साल है तो अप्रोच अलग है पेशेंट का उम्र 50 साल है तो अप्रोच अलग है बट द एंड रिजल्ट इज वी वांट टू गेट रिड ऑफ पेशेंट के शरीर में जो डिजीज्ड सेल्स है और जो ना काम करने वाले सेल्स हैं उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं पर हम उसके साथ साथ पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है उसको भी जानबूझ के ख़त्म करते हैं इसका कारण ये है कि जब हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल फॉरेन बॉडी वेदर इट्स अ बैक्टीरिया वायरस और आपके शरीर में मेरा सेल या मेरा शरीर में आपका सेल कुछ भी आ जाए विल फाइट अगेंस्ट इट दैट इज़ हाउ ह्यूमन बॉडीज आर क्रिएटेड बाय द नेचर क्योंकि व्हेन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अगेन आई विल डिविएट अ बिट क्योंकि व्हेन ह्यूमन बीइंग्स वर क्रिएटेड इन वॉट एवर वे यू माइट कंसीव कि एक बिग बैंग हुआ या जैसे बाइबल में बताया 7 दिन में हुआ या और किसी तरीके से हुआ बट ह्यूमन बींग्स केम टू दिस वर्ल्ड इन द मिडल ऑफ ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस मीन्स देयर आर ट्रिलियंस ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेल्युलर एंड विच कुड मल्टीप्लाई लाइक हेल एंड वेन यू लुक एट द ह्यूमन बॉडी द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम इज टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट दीज ऑर्गेनिजम्स or to establish friendship with them. Aajkal concept develop kar le, friendly bacteria, friendly virus. So that's how the human body functions. To hamara job hota hai transplantation mein to destroy the immune system of that particular patient who is going to receive cell from another person. Aur wo cell usko accept karna hai. That's the first step. Kidney mein bhi ho, liver mein bhi same, ki usko accept karna hai. बट एक्सेप्ट करने का बाद किडनी और लिवर में हमको कंटिन्यूस जिंदगी भर के लिए दवा देने पड़ते हैं पेशेंट के इम्यून सिस्टम दबाने के लिए और उतना भयंकर उपाय से हम इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं जस्ट सप्रेस करके रखते हैं बट इन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वी हैव टू डिस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम बिकॉज हम क्या करते हैं कि
हम डोनर से मान लीजिए कुछ 30 मिलियन 50 मिलियन स्टेम सेल्स लेते हैं. बाय द वे वी हैव अ ट्रिलियन स्टेम सेल्स इन आवर बॉडी. सो इन इफेक्ट थियोरेटिकली वी कैन डोनेट स्टेम सेल्स एवरी डे ऑफ आवर लाइफ एंड स्टिल बी हेल्थी एट द एंड ऑफ इट. या दोस्तों, सो जैसे हमने शुरुआत की कि इट्स ए क्यूरेटिव प्रोसीजर, और डॉक्टर सुपर्नो ने बहुत क्लियरली इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जो गुत्थी थी उसको सुलझाया कि कैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, पेशेंट क्या उसमें जाता है. बट सबसे बड़ी बात उन्होंने की कही कि एक नई जिंदगी दी जाती है पेशेंट को. सो आई थिंक इट इज़ अमेजिंग विद द टाइप ऑफ वर्क दैट इज बीइंग डन. डॉक्टर साहब, मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि यू आर वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ ए मोडालिटी कॉल्ड हाफ मैच और हैप्लो ट्रांसप्लांटेशन जो कहते हैं. तो एंड आई हैव आल्सो हर्ड दैट योर रिजल्ट्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. सो मैं ज़रूर, ये हाफ मैच टेक्निक है जो एक कटिंग एज टेक्निक है जो आपने जिसको मास्टर किया है, इसके बारे में ज़रूर चाहूँगा कि हमारे जो सुनने वाले हैं इसके बारे में सुने. पहले चीज़ मैं ये बताऊंगा कमांडर कि दिस इज़ एन एफर्ट ऑफ आवर एंटायर टीम. आई मीन जैसे एक सर्जरी में सर्जन का मेन स्किल होता है ही डज द ऑपरेशन, बट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इट्स अ मच मोर स्प्रेड आउट थिंग. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज मोर अबाउट यू ले आउट द कॉन्सेप्ट्स, यू ले आउट द प्रिंसिपल्स, यू ले आउट द प्रोटोकॉल, but it has to be executed by the whole team with perfection. It's like an orchestra. Aap surgery ko agar Ravi Shankar ka sitar maan lo, to this is like a philharmonic orchestra, jahan pe ek bhi sitar galat ho jaye, sorry, ek bhi violin ka tune galat ho jaye, to pura music kharab ho jata hai. It's a bit like that. So ye half match transplantation जो हम ये देश में शुरू किए हैं, व्हेन आई केम बैक टू द कंट्री इन 2009 एंड स्टार्टेड द ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम इन 2010, फर्स्ट थिंग दैट स्ट्रक मी वाज कि पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट चाहिए, बट हु विल बी द डोनर. अभी हमारे सब न्यूक्लियर फैमिली हैं. बाय द वे, किडनी ट्रांसप्लांट में आपका HLA match, लिवर ट्रांसप्लांट में HLA match इतना ज़रूरी नहीं होता है. HLA टाइपिंग ज़रूरी होता है किडनी ट्रांसप्लांट में, इसलिए कि हम इतना ब्लड ट्रांसफ्यूशन देते हैं कि HLA अगेंस्ट शरीर में एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम बन जाते हैं. वो है कि नहीं देखने के लिए सिर्फ करते हैं. बट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में ये HLA जो एक एक सेल में सिग्नेचर है, जैसे आपके नाम है कमांडर बाली, तो आपका दोनों कमांडर एंड बाली ये दो मैच करेगा तभी एक सिग्नेचर बनेगा. तो ये इट इज़ लाइक पुटिंग चेक थ्रू द बैंक. तो आपके साइन के साथ दूसरे का साइन मैच करेगा तभी ये चेक कैश होगा. सो डोनर सेल्स शुड हैव द सेम HLA सिग्नेचर लाइक द पेशेंट, तभी बॉडी एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो इट विल रिजेक्ट. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो इस प्रेमिस पे खड़े होके बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज अबाउट फाइंडिंग द HLA मैच डोनर. तो फैमिली में बाय डार्विनियन लॉ दोनों पेरेंट्स एक एक HLA आते हैं. एक एक HLA में 5 हिस्से होते हैं, 6 हिस्से होते हैं. तो ये 5 में से 5 एक पेरेंट से, 5 में से 5 और एक पेरेंट से. सो एक भाई और बहन को सेम HLA इनहेरिट करने का पॉसिबिलिटी अराउंड 1 in 4 होते हैं. मतलब अगर दो भाई बहन हैं या 3 भाई बहन हैं तो 25% चांस है कि एक दूसरे से मैच हो सकते हैं. And given the nuclear family nowadays, कि ये possibility और भी कम और कम होते जा रहे हैं. तो हम जब पहले शुरू किया, हम देखिए patient को transplant चाहिए, donor नहीं मिल रहा है, तो बाहर हम क्या करते थे. I was around 13 years abroad and what did we do? 80% of the transplants were from unrelated donor registry. उनके पास you know something like 10 lakh to 50 lakh people का registry है. Majority of them are white Caucasians. They have not married outside the Caucasian race for you know thousands of years. So उनमें जो genetic pooling है very conserved है, which are conserved in some parts of India. But if you look at our genetics, it's very interesting that हमारे genetics जो है, it can be anywhere coming from Western Europe to the Central Asia or Persia or from Sri Lanka. Yes. So it's conglomerate of everything. So we don't have a single genetic pool. So ये ऐसे unrelated registry से match मिलना for our population is very difficult. I
I mean, chances I would say 10% or less. So, इस सिचुएशन में खड़े होके हमने जो हाफ मैच ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट किया वो हमने नहीं स्टार्ट किया, दे वर पायोनियर्स इन इटली हु एक्चुअली स्टार्टेड इट इन 1990, जिसके पास हमने काम सीखा है. आई लर्न माई वर्क लार्जली फ्रॉम प्रोफेसर फ्रैंको अवर्सा, मासिमो मार्टेली इन व्हेन आई वाज इन यूके, दे वर इन इटली विथ अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अस. आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. And then my colleague, Dr. Sarita Jaiswal, who works with me now, was my student at that time. I sent her to Professor Avarsa to run this particular skill. So, क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि हम foreign कोई cell या foreign कोई antigen accept नहीं करते हैं. So, think of it. A mother is bearing a child. The child has half of it is mother's own cells, बाकी आधा father का है. And father cells, कितना भी pair हो, foreign है in biological definition. So the mother by instinct should reject it. And when the mother rejects it, there is abortion, miscarriage. But 90% of the time, pregnancy is successful by simple law of nature. So क्या होता है कि इन द मदर्स वोम बाई देर थाउजेंड्स ऑफ मेकेनिजम्स, जिसका हम जैसे बताया कुछ समझते हैं, ज़्यादातर नहीं समझते हैं, दैट द मदर लर्न्स टू टॉलरेट द फादर्स एंटीजन्स. एंड ये टॉलरेंस के बेसिस पे सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होता है, चाइल्ड इज बॉर्न. सो अ मदर वुड नेचुरली बी टॉलरेंट टू दैट चाइल्ड, एंड अ चाइल्ड वुड बी नेचुरली टॉलरेंट टू दैट मदर. Although they are only matched in half of their HLA or half of the signature. So, इस basis पे करें okay, हमने ये half match transplantation शुरू किया. उसके बाद बहुत लोगों ने इस पे बहुत कुछ try किया, इंडिया में भी और बाहर में भी लोग करते हैं. But the major thing is to understand इसका intricate biology की एक family में बहुत half match donor होता है. Full match donor अगर है तो एक ही होता है. Unrelated donor में भी ज़्यादातर एक ही होता है. So you don't have a choice. आपको जो HLA match मिल गया आप उससे transplant करोगे. But half match, the parents are half match, the children are half match, 90% of the brothers and sisters are half match. So in a family there are four or five half match donor for a young adult. तो उस situation में to choose the right donor, what we learnt over the period of time is the trick or the recipe for success यहाँ पे हाफ मैच ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली करना, क्योंकि वहाँ पे दोनों रिस्क ज़्यादा है. एक रिजेक्ट कर देना, पेशेंट विल रिजेक्ट इट. एंड द सेकेंड रिस्क, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की अनोखी चीज़ है जो लिवर किडनी में नहीं होते हैं, कि ये जो सेल डोनर से आके पेशेंट के शरीर में बैठते हैं उसका अपना इम्यून सिस्टम है, किडनी और लिवर का नहीं है. सो देयर इज द फाइट इज इन वन डायरेक्शन, यू आर जस्ट स्टॉपिंग द फाइट फ्रॉम वन डायरेक्शन. बट इसमें जो सेल आके बैठे हैं वो भी पेशेंट के शरीर को अटैक करेगा. सो इट्स कॉल्ड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, तो उसको भी रोकना है. सो इट्स अ बाई डायरेक्शनल अटैक, पेशेंट से डोनर को बचाना, डोनर से पेशेंट को बचाना. और ये जो धुआंधार लड़ाई होता है पहले 3 महीने 6 महीने में, इफ इट इज सक्सेसफुल इट्स डन ब्यूटिफुली डन बाई ब्यूटिफुल वर्क ऑफ नेचर, then you don't need any immunosuppression for rest of your life, everything is okay. So it's all, you know, like a fairy tale after that. तो ये जो half match transplantation है, हमारे success इसके पीछे सबसे बड़े जो कारण है is we have tried to understand the biology behind it as best as we can. Number one, to select the right donor. नाउ डोनर के अंदर क्या क्या, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम तो डोनर के अंदर से सेल दे रहे हैं, हम डोनर सिलेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द सेल्यूलर कॉम्पोजिशन. सो वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द डोनर विच माइट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन. तो उसके बेसिस पे वी हैव डेवलप्ड ट्रांसप्लांटेशन डिफरेंटली फॉर थैलेसीमिया, फॉर एक्यूट ल्यूकीमिया, फॉर लिम्फोमा, फॉर माइलोमा, सारे डिजीज के लिए अलग किस्म के ट्रांसप्लांट हमने डेवलप किया है from the same half match donor. So where the mortality rate in very big institutions in the country are in the range of 40%, internationally they are in the range of 20-30%. Thankfully and touch wood,
in our hands it's less than 10%. So that's the first step of success. Ki aap ye successfully you take the patient through without complications, without death of the patient. But the second step is to prevent the disease from coming back, because at the end of the day we are dealing with a cancer. Solid tumor mein kya problem hai? You have treated a breast cancer but it still comes back. Leukemia, you treat with chemotherapy, the risk is the disease coming back. Bone marrow transplantation hum karte hai to reduce the risk of the disease coming recurrence back. So ye relapse ko prevent karne ke liye hum kya kar sakte hai? That's the other thing that we have developed. So one, I mean, for anyone who is developing a transplantation or working in the field of transplantation, they have to work on two fronts. One is to reduce the risk of complication or death, and the second, reduce the risk of relapse of the disease. So, ye do cheez harmoniously karna, we are in the process of trying and inventing the whole process, as I told you, of this anokhi human biology, which, as I said, we know very little of. Dosto, इससे पहले कि हम आखिरी सवाल आज पूछें, अगर आपको डॉक्टर सुपर्नो से कंसल्टेशन करनी है, से मिलना है, तो दो तरीके से आप कर सकते हैं. जो QR कोड इस समय आपकी स्क्रीन पे है, जो NHCare ऐप है हमारा, उसको आप डाउनलोड कीजिए और डॉक्टर सुपर्नो से आप वीडियो कंसल्ट या अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या आप www.narayanahealth.org पे जाके भी डॉक्टर सुपर्नो से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं. और आज उन्होंने बहुत क्लियरली हाफ मैच या हैप्लो ट्रांसप्लांटेशन, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का एक तरीका है, उसके बारे में भी डिटेल में बताया. सो डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, हम ऑलमोस्ट एंड पे आ गए इस वंडरफुल एपिसोड के. हम प्रिवेंशन की बात बहुत करते हैं, और मैं आपसे दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा. पहली बात तो, क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे पेशेंट को, या मरीज तो अपने आप तब नहीं बनाया तो उनको जाके हेमेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, और क्या ऐसे कुछ प्रिवेंटिव चेकअप्स हैं एनुअल जिससे कुछ इंडिकेशंस मिल सकते हैं कि आगे आने वाले समय में कुछ ऐसा गड़बड़ होने वाला है, इसके बारे में बताइए. श्योर, दिस इज अगेन अ वेरी नेग्लेक्टेड टॉपिक. हम जब कैंसर प्रिवेंशन की बात करते हैं, हम ब्लड कैंसर का बात ही नहीं करते हैं, हम कोलोन, ब्रेस्ट, माउथ, ये सब बात करते हैं. देखिए, ब्लड कैंसर अगेन आई विल पुट इन थ्री बास्केट्स, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा. अगर हम ल्यूकीमिया के बात करें तो एक एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है. नाउ एक्यूट ल्यूकीमिया इज द मोस्ट डिवास्टेटिंग ऑफ ऑल कैंसर्स, बिकॉज इट हैपेंस इन डेज और वीक्स एंड इट फिनिशेस ऑफ इन डेज और वीक्स. सो द एग्रेसिवनेस विद विच इट हैपेंस, द डायग्नोसिस, द ट्रीटमेंट हैज टू बी हैपनिंग विद द सेम एग्रेसिवनेस, मतलब उतना ही जोर के साथ करने पड़ेगा. इनका जो सिम्टम्स होते हैं, ये इट कैन बी एनी थिंग लाइक पेशेंट इज फीलिंग टायर्ड, दांत ब्रश करने गए ब्लीडिंग आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, पैर में लाल स्पॉट्स आ रहा है, दीज आर बेयर मिनिमम सिम्टम्स. जो सिम्टम्स हम ज़्यादा देखते हैं बच्चों में, कि बुखार हो रहा है, एंटीबायोटिक दे रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, एंड पेशेंट्स वेस्ट वीक्स ऑन दिस बिफोर दे कम टू द राइट डॉक्टर. और हम देखते हैं कि इसका मेजर रीज़न ये है कि पेशेंट्स को एक सिंपल ब्लड टेस्ट जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट नहीं किया जाता है. सो जैसे मैंने बताया कि हम बोन मैरो इज़ अ ह्यूज फैक्ट्री, उसे जो रिटेल प्रोडक्ट निकालते हैं उसके लिए एक सिंपल टेस्ट है, एक कंप्लीट ब्लड काउंट. एक कंप्लीट ब्लड काउंट कर लोगे तो वो मशीन ही बता देगा कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है. उसके अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी के इंडिकेशन है तो दे शुड इमीडिएटली विजिट अ ब्लड स्पेशलिस्ट, ब्लड डिजीज के डॉक्टर. इसका रीज़न ये है कि ब्लड डिजीज, जैसे मैंने बताया, इसका जो ट्रीटमेंट का अप्रोच एंड सॉलिड ट्यूमर का ट्रीटमेंट का अप्रोच, ये अलग होता है. सो जैसे हम लोग फॉर लास्ट 40 ईयर्स आई हैव बीन ट्रेन टू ट्रीट दिस डिजीजेज एग्रेसिवली विथ एन इंटेंशन ऑफ क्योर, but a solid tumor oncologist would be trained to treat this in unka jo disease hai breast adjuvant chemotherapy, relapse kar gaya to just try to prolong life by giving some treatment because it's not curable, but by default all the blood cancers are curable, so that aggressiveness of diagnosis and treatment is equally important. जैसे मान लीजिए मैं एक्यूट को बात किया, क्रॉनिक ल्यूकीमिया होता है,
क्रॉनिक लिम्फोसिटिक माइलोसिटिक, जिसको आप सिंपली ब्लड टेस्ट, जो एनुअल हेल्थ चेकअप होते हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं विद एन अबनॉर्मल ब्लड रिपोर्ट ऑन दैट एंड इट्स डायग्नोज फ्रॉम दैट एंड दे आर ऑफन एट अ वेरी अर्ली स्टेज एंड दे ऑफन सम ऑफ देम डोंट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट एट दैट स्टेज एंड सम ऑफ देम कैन बी क्योर्ड विद ट्रीटमेंट एट दैट स्टेज. सो दोनों है. लिम्फोमा ज़्यादातर ग्लैंड्स लेके प्रेजेंट करते हैं, यूजुअली इन द नेक अंडर द आर्म्स, बट लिम्फोमा कैन बी एनीवेयर, कहीं भी हो सकते हैं शरीर में, कहीं भी. इवन हमने देखा है कि पैनक्रियास ट्यूमर डायग्नोसिस किया, वहाँ से बायोप्सी किया तो देखा गया वो लिम्फोमा है. सो लिम्फोमा कैन बी इन पैनक्रियास, इन स्टमक, इन द बोन्स, इन द यूटरस, इन द ब्रेस्ट, एनीवेयर. सो इट्स ओमनी प्रेजेंट डिजीज. बिकॉज क्या है लिम्फोमा, लिम्फोसाइट से गोला बन रहा है, मतलब इट्स टेकिंग अ फ्रोजन फॉर्म लाइक अ सॉलिड ट्यूमर विद द ब्लड सेल्स. सो एंड इट कैन गो एनीवेयर एंड सेटल एनीवेयर, बट ज़्यादातर ये बाहर के ग्लैंड से ही पता चलता है. सो सच ग्लैंड्स व्हेन वी सी कि यहाँ पे गांठ है नहीं, 7 दिन 10 दिन डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया नहीं जा रहा है, एंड इट्स जनरली पेनलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें दर्द नहीं होता है. वैसे है तो तुरंत इस पर जानकारी करना चाहिए. एंड थर्ड इज डिजीज अ बिट मोर इन ओल्डर पॉपुलेशन कॉल्ड मायलोमा. बाहर के देश में ये 60-70 के एज में होता है. And but when we were analyzing our patients of the last 10 years, हमने देखा कि इंडिया में this disease is happening more in the age between 40 and 60, 2 decades earlier, and they are very aggressive. And ज़्यादातर patient present करते हैं either nephrologist के पास कि kidney failure या low back pain लेके orthopedician के पास. Hematologist के पास ये लोग बहुत बाद में आते हैं, जब तक उसका हड्डी टूट गया, biopsy हुआ, उधर से fixation करते हुए डायग्नोसिस हुआ, या किडनी खराब हो गया, डॉक्टर ढूंढते या टेस्ट किया तो मिला. एंड दिस इज आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल सिचुएशंस वेयर यू नो अगर आप पहले इनको पकड़ सकते हैं तो ये किडनी खराब होना और हड्डी टूटना दोनों प्रिवेंट हो सकते हैं. सो इट्स मोस्ट प्रिवेंटेबल ऑफ दिस 3 types ऑफ ब्लड कैंसर्स. सो वेन एवर वन हैज अ लो बैक पेन एंड ऑर्थोपेडिशियन के पास गए, कुछ सही नहीं निकल रहा है, they should have their red flag. Same for kidneys. And nowadays, these doctors are more aware of the conditions. Good orthopedicians, good kidney doctors are more aware of these conditions and they make a quick referral. But ye bahut zaruri hai, kyunki kidney agar irreparably damaged ho gaya to there is no option then. And ek bar spine toot gaya, paralysis ho gaya to again, we are done for life with paralysis. All are preventable. But the most important thing is to go to the right place at the right time. दोस्तों आज की इस एपिसोड में डॉक्टर सुपर्णो ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, और एक जो इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई वो हम लगातार पिछले कई एपिसोड्स में बोलते आए हैं, वो है प्रिवेंशन के ऊपर. और उन्होंने कहा कि कॉमन ब्लड टेस्ट जो कि आप कहीं भी करवा सकते हैं किसी टाइम विल गिव यू इंडिकेशंस कि कुछ गड़बड़ है. एनुअल हेल्थ चेकअप की जो एक रूटीन, उसके अंदर आना कितना ज़रूरी है आपने आज ये समझा, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जितनी जानकारियाँ डॉक्टर साहब ने दी आई थिंक ये इनवैल्यूबल थी. मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये एपिसोड शेयर कीजिए, शायद किसी की जान बच जाए, शायद किसी की जल्दी क्योर का उनको मौका मिले. और जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर डॉक्टर सुपर्णो से आप बात करना चाहते हैं तो हमारा NHCare ऐप डाउनलोड कीजिए, जो QR कोड आपकी स्क्रीन पे है, या www.narayanahealth.org पे जाके डॉक्टर सुपर्णो से आप अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात कर सकते हैं. डॉक्टर सुपर्णो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टुडे, एंड इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एपिसोड. आई थिंक जो लोगों को आज जानकारियाँ मिली हैं, जो कई को पता नहीं होगी, जैसे आपने कहा बोन मैरो क्या चीज़ होती है, वो आज इनवैल्यूएबल थी. और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके हम सब. दोस्तों लेट्स टॉक हेल्थ में अगली बार आपको हम रोबोटिक सर्जरी के बारे में कुछ बताएंगे. सो हमेशा याद रखिए, एक बेटर हेल्थ के लिए कुछ ये छोटे छोटे प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं, इनको ज़रूर सुनिए, इनको आगे शेयर कीजिए, ताकि कुछ लोगों की, हम सब की जो हेल्थ है वो और बेटर हो सके. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद.
Experience the care of Narayana Health.